अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। सुबह उठकर बोलते हैं ये दो शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा हर काम, पूरी होगी मुंह से निकली हर बात। ये दो शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सुबह के समय क्या वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलती बनती है आपके गरीबी का कारण। और इसी के साथ हम जानेंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक सब कुछ उल्टा फुल्टा होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ने लगा है, कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, घर का माहौल भी नकारात्मक हो गया है, अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है। और आप इन सब चीजों से छुटकारा चाहते हैं, आपका मन नहीं लगता है किसी भी काम में, मन में बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है, तो फिर चाहे वो परिवार को लेकर हो या धन संबंधित परेशानी हो, आपको बस जरूरत है सुबह के समय ये शब्द बोलने की। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस ये शब्द बोलना है और इससे जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी, भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। दोस्तों भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलने हैं और तो और इसके लिए आपको स्नान तक करने की जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी काम कोई भी उपाय करते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ दो शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं, वो भी बिना स्नान किए। अगर स्त्रियां ये उपाय करती है, नई नवेली दुल्हन सुबह के समय ये शब्द बोलती है, तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी जो कि आपके पूरे घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा, इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस इच्छा पूर्ति शब्द का जप सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी, भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। दोस्तों इसके लिए आपको करना बस ये है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करें और इसके अलावा अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से करनी चाहिए, ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन में अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह उठकर दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए ओम जूम सह ये मंत्र बोलना है। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारा समय अच्छा बीते। दोस्तों कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही होता रहता है, इसीलिए सुबह जब आँख खुले और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि दिन अच्छा जाएगा। लेकिन वहीं सुबह उठकर हम जाने अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। तो आज ही इन गलतियों को आप बंद कर दीजिए। नंबर एक, सुबह आंखें खुलते ही बिस्तर पर हो तो कभी भी हाथों की उंगलियां नहीं फोड़नी चाहिए, इससे आपका दिन खराब हो सकता है। माना जाता है कि जो लोग उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों से कट कट की जो आवाज आती है वो आपके जीवन में कष्ट लाने का काम करती है, इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर दो, अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह से बचना चाहिए।
वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं तो वो ऊर्जा आँखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, इसीलिए हमें मुंह धोने के बाद ही कांच देखना चाहिए। नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि हम सुबह अगर चेहरा देखें तो किसका देखें। इस सवाल का जवाब है कि हमें अपने ईष्ट देव का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो उस वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में जब आप किसी का चेहरा देखते हैं तो हमारे अंदर उसकी नकारात्मकता आ सकती है। इससे बचने के लिए सुबह उठते ही अपने ईष्ट देव के दर्शन करें, ताकि उनका निर्विकार रूप आपको दिन भर के लिए ताजगी और ऊर्जा से भर दे। इसी के साथ आप अपने माता पिता का चेहरा भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि धरती पर माँ बाप ईश्वर का ही रूप है। दोस्तों नंबर 4, हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती है, वो है सुबह उठकर हथेली देखना, और हथेली देखते हुए करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम इस श्लोक का जप करना। इसके पीछे की वजह ये है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्नि भाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीजों को देखेंगे, ऐसे में उठते ही आंखें अपनी हथेली पर खोलें और अपने भीतर विराजमान ईश्वर के दर्शन करें। नंबर 5, अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज या शंख की आवाज के साथ खुलती है तो कहना ही क्या। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट और नकारात्मकता प्रभु ने हर ली है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद भी पूजा करनी चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही घर में घंटी या फिर शंख नाद करें, ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए, क्योंकि माना जाता है कि शंख की ध्वनि से घर की नकारात्मकता नष्ट होती है। दोस्तों नंबर 6, आप सुबह तैयार होकर घर से निकले और रास्ते में आपको झाड़ू लगाता हुआ या कचरा उठाता हुआ कोई सफाई कर्मचारी दिख जाए तो ये बेहद ही शुभ लक्षण है। आप उन्हें देखकर मुंह ना बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनि देव से संबंधित बताया गया है, ऐसे में आप सुबह सुबह उसे कुछ दान में जरूर दें। इससे आपके दिन की शुरुआत और भी अच्छी होगी और कष्ट दूर होंगे। नंबर 7, सुबह उठते ही अपनी या घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। ऐसा अपनी आदत में शुमार करें, ताकि भूल से भी आप ये गलती ना करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब जाता है जिसकी आपने परछाई देखी है। नंबर 8, सुबह उठते ही झूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। ऐसे में आपकी विशेष कार्य योजना जो आपने पूरे दिन के लिए प्लान किया है अधूरा रह जाता है, और माना जाता है कि आपके कार्य में भी बाधा आती है। रात में अगर झूठे बर्तन किचन में हैं तो आप उसे ऐसी जगह पर रख दें जहां आपकी उठते ही नजर ना पड़े, लेकिन बेहतर यही होगा कि रात में ही आप सभी बर्तन साफ कर लें, ताकि सुबह आपको झूठे बर्तन देखने ही ना पड़े। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।